चार बजे सिर्फ 522 ब्लॉग कैसे हैं सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज रहे हो। मेरी तबीयत थी ख़राब इसलिए मैं फिर ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब ही हो जाती है, अभी वही प्रॉब्लम समझ लो। फिर मैं वापस आई थी बरेली उस दिन से, बहुत थक गई, फिर सो गई, फिर नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं आपके सारे सवालों के भी जवाब दूंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे। और तबीयत ठीक नहीं है बट काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं व्लॉग ना लाऊं तो मुझे खुद अजीब लगने लगता है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही हूं। तो चलो गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम जो भी करते हैं दिन भर में वो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी और आपके सवालों के जवाब दूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। 12:30 बज चुका है और खाना नाश्ता कुछ भी, मतलब कल ना भंडारा था तो बहुत सारा भंडारा घर में आ गया था, तब लेने गए थे तब आया था, ऐसे नहीं है कि किसी से मांग लिया। अब जो चावल बचा हुआ जो कल एक्स्ट्रा बच गया था मैं उसको भून दूँगी और यही हम खाने में खाएंगे। बाकी फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं तो वो रखा ही रह जाता, वो वगैरह खा लेंगे। मेरा खाना बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही क्योंकि तबीयत नहीं ठीक होती तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता यार। तो फिर इसलिए मैं चावल भून के खाऊँगी और इसके दाँत बहुत ज़्यादा निकल रहे, खुद तो कुछ करता नहीं सिर्फ घर फैलाया करता, अभी रुक जाओ इसको बता रहे हैं। तो गाइस चलो चलो चावल छौंक लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। और ये लड़का हमेशा सोया ही करता है, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया आर्यन, वो बहुत ही बदतमीज है सिर्फ घर फैला। मैंने कर लिया अपने लिए फ्राई चावल, यही सब लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। और अब मैं सीज़न का पहला आम आज खाऊँगी, मतलब दशहरी आ गए हैं और इस बार आम बहुत लेट भी आए हैं गाइस, बट फर्स्ट सीज़न का आम मैं खाऊँगी और आपको भी खिलाऊँगी। तो आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं जो कि मुझे 2-3 दिन में आए क्योंकि मैंने 2 दिन उधर ब्लॉग नहीं डाला, फिर इधर बरेली वाला ब्लॉग डालने के बाद फिर मैं 2 दिन नहीं डाल पाई। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रहती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे तो एक्टिव रहती हूँ बट यहाँ पे बहुत अनएक्टिव रहती हूँ। बट क्या करूँ, कभी बीमार पड़ जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है तो इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस सबसे पहला और ख़ास मेन क्वेश्चन जो कि मुझे पता नहीं था उस बारे में, बाद में आके मुझे यहाँ पता चला न्यूज़ में कि हमारे भाई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अटैक हुआ है और वैष्णो देवी में। तो ये क्वेश्चन मुझसे आया था कि ऋतु आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ अटैक हुआ है, तो मुझे उस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज उस टाइम नहीं थी। अभी नॉलेज हुई है कि हाँ अटैक हुआ है, हमारे दर्शन करने के लिए जो यात्री गए थे उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है और शिवकोड़ी, ये तो न्यूज़ पूरे और हर जगह फैल चुकी है बट इस पर कोई भी रिएक्ट, कोई भी पब्लिक करती नहीं है। मैं भी रिएक्ट करूं या ना करूं समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे फिर मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगी, फालतू में फालतू नेगेटिव सब होगा। बट मैं इतना ही कहने चाहूँगी यार, क्या प्रॉब्लम है हम हिंदुओं से इतनी, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने सुना है जहाँ तक ये टेररिस्ट अटैक था और पाकिस्तानियों ने अटैक किया है और हमारे हिंदू लोग जो दर्शन करके आ रहे थे या दर्शन करने जा रहे थे उन्हीं में 10 लोग मर गए और 33 लोग घायल हैं। मेरी तो सोच यही है कि सभी मिलजुल के रहें, सभी का भगवान, सभी के ईश्वर, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। बट आप लोग यहाँ पे आके सारी चीज़ें ख़राब कर देते हो कि मतलब उसमें 2 साल का एक बच्चा भी था जो कि मारा गया टेररिस्ट और ये प्लान्ड अटैक था। क्यों क्यों भाई, ये क्या है? मतलब बरसों से चली आ रही रीत ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, हमारे निर्दोष लोग मर रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब कोई सेफ नहीं है, जो भी जम्मू कश्मीर जाता है या जो भी दर्शन करने जाता है, जो भी अमरनाथ के दर्शन करने जाता है, जो भी केदारनाथ के दर्शन करने जाता है, वहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता। रीज़न क्या है आखिर? सिर्फ कश्मीर, सिर्फ कश्मीरी है एक रीज़न लड़ाई होने का या फिर अटैक्स होने का या फिर जो भी कहा जाए। मैं इस पर चुप्पी, मतलब चुप्पी तो पूरी दुनिया पूरे देश बांध रखे है बट कोई सेफ नहीं है। ऐसे हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे, मैं ये कह रही हूँ कि किस्मत अच्छी थी या फिर कुछ भी कह सकते हो क्योंकि वहाँ तो अटैक्स होते ही रहते हैं। हमारे जाने के बाद बहुत, हमारे आने के बाद बहुत अटैक्स हुए, बहुत कुछ हुआ, बट कोई सेफ़ फील नहीं कर सकता। कोई अगर जम्मू कश्मीर जा रहा तो वो सेफ़ नहीं फील कर सकता कि वो घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा उसके साथ पता नहीं।
तो मैं आप ही लोगों से सवाल करना चाहूँगी, आखिर क्यों, कब तक चलेगा ये लड़ाई का झगड़ा, अटैक्स या आतंकवादी अटैक्स, हम कभी सेफ नहीं होंगे, कब तक चलेगा ये? कोई मतलब कोई इसका वो है कि हाँ अब ख़त्म हो जाना चाहिए? आप ही लोग बताना इस पे, आपकी क्या राय है भाई? मुझे तो न्यूज़ सुन के शॉकिंग लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बोलो तो लड़ाई का झगड़ा, मैं ही कंट्रोवर्सी में फंस जाऊँगी। तो चलो बाकी आप इसका राय देना, मुझे पता चला था जब न्यूज़ देखा तभी पता चला। चलो आपके कुछ और सवाल से उनके बारे में बात करते हैं। वही मैंने डाला था, आजकल मेरे YouTube पे भी काफ़ी सारे हेटर्स आ गए हैं, तो मुझे लगता है अब मैं YouTube पे भी वायरल हो जाऊंगी, जैसे मैं वर्ल्ड वाइड इंस्टा पे वायरल हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग मुझे मेरे नॉर्मल वीडियो से नहीं, रोस्ट वीडियो से जानते। थैंक यू सो मच, आपको जो भी कमेंट करना आप करो। और मैं जो भी YouTube पे थोड़ा मजाक मस्ती करती हूँ कि आपने देखा नहीं होगा, ये जस्ट किडिंग के लिए लाइन बोलती हूँ, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगे, ठीक है? लो, वेरी नाइस व्लॉग, आज का व्लॉग मस्त लगा, थैंक यू। नाइस रितु, थैंक यू। दी झुमका आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैं दो जोड़ी झुमका लेके आई हूँ, आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा है। और एक गले का भी लेके आई, मतलब मैंने कहा बरेली गई हूँ और झुमके के लिए फेमस है, तो क्यों ना झुमके लेके जाऊँ। ये वही कल्लो है ना जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वही कल्लो हूँ जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, और ये मजाक उड़ाते उड़ाते कल्लो एक दिन बहुत आगे जाएगी। थैंक यू सो मच। हाय रितु, न्यूज़ देखा, वही जम्मू कश्मीर वाली बात हो रही है, तो मैंने आप ही बताना क्या, अगर कोई ब्लॉगिंग करता है तो लोग उसे ऐसे क्यों देखते हैं जैसे दूसरे प्लेनेट से आ गया है वाटर पार्क में वो आदमी? हाँ, मतलब देखते भी हैं, और दूसरी बात ये रहता है वो पहचानने की भी कोशिश करते कि ये वही लड़की है, ये वही लड़की करके, तो पूरे पार्क में आधे से ज़्यादा लोग इसी बात में कन्फ्यूज थे, ये वही लड़की करके, ठीक है? तो आप मेरे शॉर्ट ब्लॉग देखना जाके, रितु कश्यप 0522 ब्लॉग, वो भी ब्लॉग बहुत मस्त हैं, वो ज़्यादा शॉर्ट ब्लॉग हैं, तो देखना जाके कूड़ा ब्लॉग। थैंक यू। हाय रितु, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? कितना एटीट्यूड दिखाती है, ब्ला 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 ब्ला। यस, एटीट्यूड तो मुझ में है, बहुत सारा एटीट्यूड है। आप एटीट्यूड झेल सकते हैं तो ठीक है, वरना आप इस इग्नोर कर सकते हैं। आप व्लॉग मत देखिए, आपको एटीट्यूड लग रहा है, आपको कुछ भी लग रहा है, आप व्लॉग इग्नोर करिए। मैं ज़बरदस्ती आपको व्लॉग देखने के लिए मजबूर नहीं करती कि आइए मेरे व्लॉग, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्लॉग देखिए, प्लीज़ प्लीज़। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ या उन्हीं से करती हूँ जो मुझे सपोर्ट करते, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते वो मेरा व्लॉग ना देखे। थैंक यू। तो यही सारे आपके कुछ कमेंट्स थे जिनका जवाब मैंने सोचा देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगले दो दिन बरेली रही, और बरेली में जो मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली वो मुझसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, शादीशुदा भी थी, अभी दोबारा मतलब उनके साथ लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है, बट सून एज सून पॉसिबल शायद वो जल्दी से शादी करे और मुझे बुलाए, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मेरी कोई फ्रेंड की शादी हो और मैं उसको इन्जॉय करूँ खूब अच्छे से। तो मेरा मन है कि जल्दी से शादी करे, तो मैं उसको ना, वो मुझसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, दीदी कहना चाहिए मुझे, बट मैं उसको सोना बोलती हूँ, जब से मेरी बात हुई है मैं सोना बोलती हूँ। आप मेरे मुँह से दीदी निकलेगा नहीं, तो सोना करिए तुम ब्लॉग देख रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर ले। मैं अक्सर सोचती हूँ कि दीदी बोलती हूँ, लेकिन नहीं, अब मैंने तुम्हें फ्रेंड ही समझ लिया, अपना फ्रेंड समझ रही हूँ, तो मैं तुम्हें सोना ही बुलाऊँगी। लेकिन हस्बैंड जी को आपके मैंने जीजू बोला था ना, ये आपने सुना था ना, उनको जीजू बोलूँगी लेकिन तुम्हें सोना ही बोलूँगी। तो ऐसा था, दो साल से हमारी सोशल मीडिया पे बात हो रही थी, हम मिलने का प्लान कर रहे थे, वो नहीं आ पा रही थी, मैं नहीं जा पा रही, वो नहीं आ पा रही थी, वो ये ऐसा करके, तो मैंने सोचा कुछ क्यों ना मैं ही जाऊँ पहले। अब मैं गई हूँ तो जाहिर सी बात है वो ज़रूर आएगी लखनऊ, और जब लखनऊ आएगी तो मैं उसको लखनऊ घुमाऊँगी। तो ये था, उसके बाद मेरे जितने चाहने वाले दो तीन फ़ैन हैं जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते ही रहते, अब आप इंदौर नहीं आई, आप रायबरेली नहीं आई, तो गाइस हमेशा मैं ही आऊँ, कभी आप नहीं प्लान कर सकते आने का, हमेशा मैं ही आऊँ। मेरा तो कहीं ना रायबरेली में कोई है, ना इंदौर में कोई है, ना बरेली में कोई है, बट बरेली में अब मेरी फ्रेंड बन गई, अब मैं फ़र्स्ट टाइम मिल गया, धीरे धीरे और भी ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप गहरी होती जाएगी, तो एक अच्छा रिश्ता बनेगा। तो पहले आप भी तो कभी आओ, हमेशा मुझे ही बुलाते रहते, तो मुझे ज़रूर कोई काम हुआ इंदौर में या रायबरेली में तो ज़रूर मैं टाइम निकाल के आऊँगी, लेकिन पर्सनली मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे ये था कि बहुत सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड के साथ हो गई थी, और हमारा पर्सनल लेवल पे कॉल, हमारी रोज़ कॉल पर बात होती है, इतने टाइम से हम बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मिला जाए।
तो ये थी कहानी। चलो गाइस आपको थोड़े झुमके सुमके दिखाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा घर का काम करती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अलग ही डिज़ाइन में थे तो मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे, तो मैंने ये वाले एक लिए और बिल्कुल हटके डिज़ाइन एक ये वाला झुमका। आपको तो पता ही है मुझे झुमकों का कितना शौक़ है, एक्चुअली मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक़ है, तो ये दो जोड़ी मैं लेके आई थी और ये गले का भी मुझे बहुत पसंद आ गया था, लास्ट मिनट पे मैंने ये ले लिया, तो यही मैं लेके आई थी। मैंने कहा बरेली गई हूँ तो क्यों ना झुमके लेके जाऊँ, तो बस यही है। कैसे लगे आपको कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी मैं जब ड्रेस कोई अच्छा सा वेयर करूँगी तो इनको ज़रूर डालूँगी, अभी तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी तो सारा वेस्टर्न पहन रही हूँ, तो जब इंडियन पहनूँगी तभी इनको पहनूँगी। ओके मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। की है और मैंने दे दिया पेड़ों को पानी, आर्यन ने भी थोड़े पेड़ों को दिया क्योंकि पेड़ बहुत एक्स्ट्रा थे और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस समय कल भी मैंने पानी दिया था इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी, क्योंकि ये लोग थोड़ा बाहर गए थे। और यहीं बैठे बैठे मैं भिंडी काट रही हूँ क्योंकि भिंडी अंधेरे में यार दिखते नहीं, कीड़े बहुत होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ वैसे तो लाइट में काट लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं अंधी थोड़े हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे भिंडी काट लेती हूँ। और ये देखो जरियानी भिंडी निकल गई और मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत है, ये जरियानी भिंडी जो बीच में इतनी निकलती, खैर निकलती तो है ही है। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी और रोटी, तो चलो गाइस खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आयुष स्टेडियम से आ जाता है ना 8 बजे तक, तो उसको भूख लग जाती है, तो 8:30 बजे तक खाना रेडी हो जाता है हमारे और 9 बजे तक हम लोग खा भी लेते हैं। तो चलो गाइस भिंडी बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। मैंने भिंडी छौंक दी है और एक तरफ मैंने आम भून लिए हैं, और सीज़न के पहले आम मैंने एक आम खा के देखा, उसमें बिल्कुल भी मीठापन नहीं था, बिल्कुल स्वाद ही नहीं था, तो अब हम सोच रहे हैं क्या करेंगे इतने मैंगो, क्यों ना इसका मैंगो शेक बनाया जाए, थोड़ा सा दूध मिक्स करके और थोड़ा सा मैंगो लेके और चीनी वगैरह मिक्स करके मैंगो शेक सिंपल सा बनाते हैं घर पे। तो चलो गाइस मैंगो शेक बनाएंगे फिर आपको भी पिलाएंगे, क्योंकि हम तो यार अच्छे लग नहीं रहे खाने में। तो चलो गाइस खाना वाना बन गया, मैंगो शेक भी बना के रख लेते हैं, गर्मी से जो भी आता है पीने में अच्छा रहता है उसके लिए। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंगो शेक आपने तो कभी देखा नहीं होगा, आप देख लीजिए। सो गाइस बहुत टेस्टी बना है, चलो पी लेते हैं फिर आपको मिलते हैं, बहुत कम बना है यार। बन चुका है भिंडी रोटी, हम जा रही खाने क्योंकि आज हमने दिन में खाना सही से नहीं है, आपको तो पता ही है, तो खाना खाने जा रही हूँ और आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं। मम्मी आएंगी लेट तो वो लेट से खाएंगी, मुझे लगी अभी भूख तो अभी खाना खाने जा रही हूँ, फिर मत कहना कि रे तूने पूछा नहीं, ठीक है। गाइस रात के 9 बजने वाले हैं और मैं क्या बोलूँ, खाना वाना बन गया है तो व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि मम्मी अभी लेट से आएंगी, मम्मी भी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं जल्दी ही सो जाऊँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और आज के जो मैंने बातें कही उस पर विचार करना और अच्छे कमेंट्स करना, सोचना फिर कमेंट्स करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की दुआओं में याद रखूँ।